देवादिदेव एक हजार आठ पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री अरहे सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मे सखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रोताओं का जो घर बैठे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, प्रारंभ हो शंका समाधान का कार्यक्रम, उसके पूर्व हम पूज मुनि श्री के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए त्रिवार नमोस्तु करेंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आप जानते हैं कि पूज मुनि श्री के आशीर्वाद से इस सम्मेलन शिखर की तलहटी में गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग अपनी स्वीकारिता देकर के गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं, चैन से चैन जुड़ती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं होगा जब संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अनेक देश के लोग इस गुणायतन से जुड़ पाएंगे। बंधुओं, क्या होगा गुणायतन, ये हम मुनिश्री के मुखारविंद से अभी बाद में सुनेंगे, पर मैं उन नामों की उद्घोषणा जरूर करना चाहूंगा जो आज गुणायतन से जुड़े हुए हैं। बंधुओं, निर्वाण निधि के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हैं उन नामों की उद्घोषणा मैं आपके सामने कर रहा हूं। कमला देवी जी, सुरेंद्र कुमार जी ठोलिया तिरुवल्लूर चेन्नई से, श्रीमती नवीन जी, नवनीत जी जैन, अनुज जी जैन, विपिन जी जैन मोदी नगर गाजियाबाद से, टीकमगढ़ से आरिका 105 विदिश्रीमती माता जी का जो परिवार है, ऐसे श्री दिनेश कुमार जी, श्रीमती अनीता जी, आस्था जी, आशी जी, आर्या जी आदि जी हैं, श्रीमती शांति देवी जैन धर्मपत्नी श्री महेंद्र कुमार जी जैन अलवर से, श्रीमती सुनीता जैन धर्मपत्नी श्री राकेश जी जैन बागपत से, और श्रीमती सुप्रिया जैन श्री ऋषि जैन सागर से। बंधुओं, जो कि इस गुणायतन से निर्वाण मित्र के रूप में जुड़े हैं, मैं उनको बुलाऊंगा। उसके पूर्व हमारे जितने भी निर्वाण निधि के सदस्य अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज मुनिश्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद जरूर लें। मैं निवेदन करूंगा कैमरा वाले भैया से कि एक बार उनको जरूर दिखाएं, जो भी यहाँ पर उपस्थित हो निर्वाण निधि के रूप में वो मुनिश्री से आशीर्वाद ले रहे। बंधुओं, साथ ही साथ मैं उन नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जो आज गुणायतन से निर्वाण मित्र के रूप में जुड़े हैं और यहां पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो ऊपर आएंगे और उनका अभिनंदन सम्मान करने के लिए हमारे बीच में श्रीमान सुनील जी CFO गुणायतन हमारे यहां पर उपस्थित है, मैं निवेदन करता हूं। और साथ ही साथ सुभाष जी CEO यहां पर उपस्थित है, शैलेंद्र जी जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहां पर उपस्थित है। मैं एक एक करके यहां पर बुला रहा हूं। सबसे पहले बुला रहा हूं श्रीमती श्वेता जी, समीर जी सिंघई, यशस्वी आराध्या जैन जबलपुर से, जो कि निर्वाण मित्र के रूप में जुड़े हैं। निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और पूज श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। शीघ्रता से मंच के ऊपर आ जावे और हम सब लोग तालियों के उद्घोष के साथ इनका अभिनंदन करें। बंधुओं, इन्होंने बहुत अच्छी भावना बनाई है, गुणायतन से निर्वाण मित्र के रूप में जुड़े हैं, आइएगा। और इसी के साथ साथ जिन्होंने निर्वाण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य पाया है, श्रीमान सुरेश चंजी संजय कुमार जी चौधरी अशोक नगर से हमारे बीच में है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो कृपया मंच के ऊपर आए। उनका भी अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन श्री सेवायतन परिवार। साथ ही साथ उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में श्रीमान शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मैं कपूरचंद जी कोटा वालों से भी निवेदन करता हूं कि आए, इनका अभिनंदन करने के लिए वो यहां पर उपस्थित रहेंगे, आइएगा। सुरेश चंजी संजय कुमार जी चौधरी जी का परिवार यहां पर पहुंच रहा है और इसी के साथ तैयार रहेंगे जो कि बंधुओं सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे श्रीमान ब्रह्मचारी भूषण जी जैन भैया जी पारोल जलगांव महाराष्ट्र से, पारोला जलगांव महाराष्ट्र से वो यहां पर आएंगे। पहले निवेदन कर रहा हूं सुरेश चंजी का परिवार। बंधुओं, ये सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार यहां पर लेकर के आए हैं। ब्रह्मचारी भूषण भैया जी धन्य हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के अपने जीवन की साधना की और ना कि सिर्फ साधना अपितु दान के क्षेत्र में भी आगे आ रहे हैं। एक बार पुनः भैया जी के लिए ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करने के लिए सिद्धार्थ जी और देवेंद्र जी यहां पर उपस्थित हैं, आए और इनका अभिनंदन करेंगे गुणायतन परिवार की ओर से।
विवेक जी सिंगापुर से निवेदन करता हूं कि वो भी आ जाएं जो कि गुणायतन के दृष्टि हैं, आकर के इनका अभिनंदन करेंगे। भैया जी से निवेदन करता हूं आ जाएं यहां पर। इसी के साथ साथ बंधुओं, आज मैं उन नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे सूत्रधार से स्तंभ के रूप में आ गए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं श्रीमान अशोक जी जैन, श्रीमती अंजलि जैन, कुणाल जैन, श्रीमती निशिता पाटनी, कुमारी मेघना जैन, कोटा से बंधुओं आए, मंच के ऊपर आ जाए। मैं निवेदन करता हूं ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं गुणायतन मंत्री चंद्रकला पाटनी जी यहां पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ निवेदन करता हूं हमारे बीच में लता जी गंगवाल जो कि गुणायतन मंत्री हैं, आए एक साथ आकर के इनका अभिनंदन करेंगी। आइएगा अशोक जी, श्रीमती अंजलि जैन, कुणाल जी जैन, श्रीमती निशिता पाटनी, कुमारी मेघना जैन कोटा से शीघ्रता से मंच के ऊपर आ जाए और जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करेंगे। इसी के साथ बंधुओं, जो कि स्तंभ के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे प्रभाकर जी जैन, श्रीमती रूपम जैन बड़ोदरा से हमारे बीच में हैं, अगर वो यहां उपस्थित हैं तो निवेदन करता हूं कि आ जाए मंच के ऊपर आ जाए। इनका भी अभिनंदन करता है गुणायतन श्री सेवायतन परिवार। प्रभाकर जी से निवेदन करता हूं कि आपके तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो वो शीघ्रता से मंच के ऊपर आ जाएं। साथ ही साथ बंधुओं, जब तक ये आ रहे हैं मैं इसी के साथ निवेदन करूंगा हमारे बीच में जो गुणायतन के ट्रस्टी यहां पर उपस्थित हैं, श्री धर्मेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती प्रियंका जैन ललितपुर केनिया से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कृपया आइएगा मंच के ऊपर आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं हमारी गुणायतन परिवार, इनका हार्दिक अभिनंदन करता है। बंधुओं, गुणायतन से जुड़े अनेक लोग हैं जिन्होंने आज निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने मंदिर निर्माण के रूप में अपनी 11,111 रुपए की राशि दान दी है। ऐसे श्रीमती रतन देवी जी हैं उदयपुर से, इन्होंने निर्वाण दान में 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है, 11,111 की। जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंधु हमारे बीच में धैर्य जैन भोपाल से, इनकी नानी श्रीमती सुमित्रा जैन जिन्होंने विदिशा से इन्होंने 100 सोने की अंगूठी गुणायतन के लिए समर्पित की है, बहुत बहुत उनको गुणायतन परिवार हार्दिक उनका अभिनंदन करता है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता। साथ ही साथ उन्होंने मामा जी के जिनका देवाशान हो गया उनका जो पर्स था उसमें जो पैसे थे वो सारे के सारे पैसे भी मंदिर के लिए समर्पित कर दिए, उनको बहुत 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 बंधुओं धन्यवाद देते हैं। बंधुओं मैं निवेदन करता हूं प्रभाकर जी जैन, श्रीमती रूपम जैन बड़ौदा से हमारे बीच में, मथुरा से, बड़ौदा मथुरा से हमारे बीच में है, अगर वो यहां उपस्थित हो तो आ जाएं। श्री प्रभाकर जैन, श्रीमती रूपम जैन बड़ौदा मथुरा से। चलिए मैं चलता हूं सीधे प्रथम प्रश्न के लिए महाराज श्री के चरणों में, क्योंकि आज बहुत लोग अपना मन बना करके आए हैं अपनी जिज्ञासाओं का समाधान के लिए। तो सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं श्री श्री उपस्थित जो यहां पर हैं, श्री शैलेंद्र जी जैन जबलपुर से और इसी के साथ तैयार रहेंगे वर्तिका जैन जबलपुर। शैलेंद्र जैन जबलपुर अपना प्रथम प्रश्न लेकर के यहां पर उपस्थित हो रहे हैं, वर्तिका जैन जबलपुर से तैयार रहेंगे। श्रीमती सुषमा जैन बंटी बड़े राय कोतमा से, इन्होंने निर्वाण सारथी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य पाया है, जोरदार ताली बजा करके हम इनका भी अभिनंदन करते हैं जो कि गुणायतन से निर्वाण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं। प्रथम प्रश्न रख रहे हैं शैलेंद्र जी और तैयार रहेंगे वर्तिका जैन जबलपुर। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, आपके लिए दो तीन शब्द हमेशा कहा जाता है, भावना योग प्रवर्तक, शंका समाधान प्रणेता। मैं इसमें दो शब्द और जोड़ना चाहता हूं महाराज श्री जी, कि जिनवाणी के गूगल या एनसाइक्लोपीडिया कहूं जिसको विश्वकोश कहते हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। दूसरा, हे जीवित सुपर कंप्यूटर के कंप्यूटर, उस सुपर कंप्यूटर में भी जो आंसर मिलता है उसमें हमें अच्छे से अच्छा ढूंढना पड़ता है। आपके पास तो जो भी निकलता है वो स्टेट सबसे अच्छा होता है महाराज। सवाल करने के लिए आया, गुणगान करने के लिए आया, जल्दी सवाल करो। हाँ। महाराज श्री जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपसे ये क्वेश्चन 11 तारीख को बीरेंद्र जी लखनऊ वालों ने पूछा था कि बच्चों को और अभिभावकों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए और क्या करना चाहिए। महाराज जी, आपने जो उस समय आंसर दिया था उसमें आपने आंसर दिया था कि हमें अपने आचरण से बच्चों को समझने की कला विकसित करना चाहिए।
ये महाराष्ट्री आपने आंसर उन अभिभावकों के लिए तो दे दिया जिनके बच्चे 2 साल 3 साल के हैं या जो आगे अभिभावक बनेंगे, लेकिन हम जैसे अभिभावक जिनने अपने बच्चों को टोक टोक के अपनी भी बुद्धि खराब कर ली, उनकी भी कर दी उनके लिए हम क्या करें महाराज जी? क्योंकि या तो हम धृतराष्ट्र की तरह अपने मनोभाव उनके ऊपर लादते रहे या अपनी कर्तव्य बुद्धि छोड़ के, कर्तव्य बुद्धि में सिर्फ उन्हें लालन पालन करते हुए उनके उस पर छोड़ दे, क्या करें महाराज? शंका समाधान करें। ये बिल्कुल बहुत समझदार हो गए हैं। पुराने समय में और आज में बहुत अंतर है। पुराने समय में और आज में बड़ा अंतर आ गया। पुराने समय में लोगों को चीज़ों को समझने में वक्त लगता था, पर आज ऐसा पाया जाता है कि लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। बच्चों को उनके हिताहित का विवेक सिखाना चाहिए, उनके अंतर मन में बैठकर अपनी बात को बड़े लॉजिकल और प्रैक्टिकल ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। जब हम आज बच्चों को कोई बात तार्किक तरीके से समझाते हैं तो बच्चे न केवल उसे समझते हैं अपितु समझकर आत्मसात भी करते हैं और वो उनके जीवन के बदलाव का एक बड़ा आधार भी बनता है। तो समझने की कोशिश करें, हम खुद समझें, औरों को भी समझाने की कोशिश करें। हम लोग उन पर चीज़ें थोपते हैं, लादते हैं, ये उचित नहीं है। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उन्हें मार्गदर्शन दे, आदेश नहीं। हो सकता है वो आपके आदेश की अवहेलना कर दे, पर आपका मार्गदर्शन अच्छा होगा तो जरूर अपनाएंगे। और हिदायतें भी सीमित दें, जरूरत से ज़्यादा न दें। और बच्चों को बच्चा माने, अपना एसेट ना समझें। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर आप बच्चों के साथ अपना व्यवहार करेंगे तो मेरा मानना है बच्चे आपके एक आज्ञाकारी सेवक की तरह आपके साथ रहेंगे और आपके लिए वह सब कुछ कर सकेंगे जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। नमोस्तु महाराज। वर्तिका जैन यहाँ पर आए, उसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे सुनील जी से कि शैलेंद्र जी, अंजलि जी, सखी सालनी, कृतिका जैन जबलपुर से जिन्होंने अभी प्रश्न किया है, इनका चातुर्मास का एक कलश भी यहाँ पर रह गया। भैया ये कलश आप लेकर के जाइएगा और अपने घर के पूजा वाले स्थान पर इसको स्थापित कर लीजिएगा। चलिए वर्तिका जैन अपना प्रश्न रख रहे हैं और इसी के साथ तैयार रहेंगे सौरभ जैन, रजत जैन, संकेत जैन, रुआ बांदा भिलाई से। अगला बोलिए बिटिया, जल्दी आ जाओ, जल्दी शीघ्रता से, जल्दी जल्दी। अगला नाम बोलो। सौरभ जैन, रजत जैन, संकेत जैन, रुगा वादा भिलाई से। अच्छा, आ चुकी, पहली वर्ती का रख रही बोलो। राजी श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री जी, मेरी माँ हर बात पर बोलती है कि तुम लोग अब मेरी बात नहीं सुनते हो, यह सब तंत्र विद्या का असर है। तो क्या महाराष्ट्री जी तंत्र विद्या होती है? यदि हाँ तो लोगों को, तो जैनों को उससे बचने का उपाय बताएं। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे तुम्हारी माँ की बात पर आश्चर्य है। जो इतनी छोटी सी बच्ची अगर बात नहीं सुनती तो तंत्र विद्या किस तंत्र के कारण आ गई? ये बच्ची क्या तंत्र विद्या करेगी? हो सकता है उनके मन में ऐसा हो कि कोई उनके पीछे लगा हो और घर में ऐसा कुछ तंत्र मंत्र कर दिया जिससे घर में कोई किसी की सुन नहीं रहे। पर मेरा मानना है इनमें मन का बहम ज़्यादा होता है, यथार्थ कम। ये सब मन का बहम है और हम अपने आप को इस प्रकार के बहम से दूर रखने की कोशिश करें। तंत्र मंत्र होता है, लेकिन सब चीज़ें इस तरह के तंत्रों से हो जाए तो फिर तो दुनिया ही बदल जाए, कहाँ का कहाँ कुछ हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए इन बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास करने का औचित्य नहीं है। हम चीज़ों को उतना ही समझे, वैसा ही समझे जितना कि वो है। और कोई कितना भी तंत्र मंत्र करे, हम लोग तो नमोकार मंत्र के विश्वासी बने और हम लोग कहते हैं ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो,
मंगलानम च सव्यसिम परमम होई मंगलम। समझ गए? तो नमोकार मंत्र पर श्रद्धान करो, सब तंत्र मंत्र का खेल खत्म हो जाएगा। ये हमारे मन की दुर्बलताएं हैं। मेरे सामने तो इस प्रकार के जितने भी प्रकरण आते हैं उनमें मुझे कुछ ऐसा ही दिखता है। समझ गए? इसलिए मनोबल ऊंचा रखो, महामंत्र पर श्रद्धान रखो, कोई किसी तरह की बाधा नहीं होगी। सौरभ जैन, रजत जैन, संकेत जैन, दुर्गा बांदा भिलाई से हो तैयार रहेंगे। साक्षी संगीता, अरविंद जी, श्रेया जैन, संदीप जैन, संगम कॉलोनी जबलपुर से, जो कि पूज्य निर्वेगवती निकटवती माता जी के परिजन हैं। मुनिश्री जी के चरणों में दिगंबर जैन समाज रुआ बांदा भिलाई छत्तीसगढ़ की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जरूरी नहीं सभी लोग आपको समझ पाएं, तराजू सिर्फ वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। हम अपने अंदर वजन के साथ साथ क्वालिटी कैसे विकसित करें, कृपया समाधान करें। नहीं कि सब कोई आपको समझ पाए, तराजू सिर्फ वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। आपने पूछा है हम अपने वजन के साथ अपनी क्वालिटी कैसे बढ़ाएं। देखिए, तराजू पर व्यक्ति का वजन नापा जाता है और नजरों से व्यक्ति के गुणों को नापा जाता है। अपने व्यक्तित्व को हम गहरा बनाएं और ऐसा बनाएं कि हर व्यक्ति की आंखें तुम्हारी दीवानी हो जाए, तो तुम्हारा वजन भी बढ़ेगा और गुण भी बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तो अपने नजरिए को ठीक करो और अपने आचरण को इतना प्रभावी बनाओ कि सब तुम्हारे पीछे आ जाए, सबकी आंखें दीवानी हो जाए। चलिए, नमोस्तु। साक्षी संगीता, अरविंद जी, श्रेया जी, संगम कॉलोनी से, और इसी के साथ श्रीमान शिल्पी पाटनी भानपुरा से, और बोलो अग्रणी शिल्पी पाटनी भानपुरा, संतोष संकेत संचित ठाई, अदिति जैन नीदरलैंड से हमारे बीच में आए, एक साथ पहुंच के अपना प्रश्न रख रहे हैं। जल्दी आइए, एक दो नाम और बोलो, तैयार रहेंगे। चलिए, इसी के साथ नैवेद्य सा है छोटा सा बेटा, अपनी जिज्ञासा लेकर के यहाँ पर उपस्थित रहेगा नैवेद्य सा। क्रम से नाम बोलते जाए, पूछते। नमोस्तु महाराज श्री। नाम बोल दीजिए। हाँ। ये नीदरलैंड से हैं। अदिति जैन। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं हमारे जैन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन का धर्म ज्ञान सामायिक में देते हैं, पर लाइफ में जब एक्चुअल परिस्थिति ऐसी आती है कि जब उनको धर्म साथ करना चाहिए वो नहीं कर पाते, उनका क्रोध या और दूसरी चीजें हावी हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा है, धर्म ध्यान करने से हमारे अंदर की दुर्बलताएं दूर होनी चाहिए और दूर होती भी है, लेकिन कोई धर्म ध्यान करते हुए भी अपनी दुर्बलताओं को दूर नहीं कर पाता, तो इसमें दोष धर्म ध्यान का नहीं, दोष धर्म ध्यानी का है। करने वाला अगर धर्म ध्यान को ठीक तरीके से नहीं अपनाए तो हम उसमें धर्म ध्यान को कैसे दोष दें? हम ठीक तरीके से करें। कोई भी धर्म की क्रिया जब हम एक रूटीन की तरह करने लगते हैं तो कोरी क्रिया होती है, और उसी धर्म ध्यान की क्रिया को उसके प्रयोजन से जुड़ करके करते हैं तो हमारे रूटीन को चेंज कर देता है। ये बात सबको आत्मसात करनी चाहिए कि हृदय की शुद्धि रखे बिना किया गया धर्म ध्यान वांछित परिणाम नहीं देता, इसलिए इसके लिए हमें हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए। और हम दवाई खा रहे हैं और आराम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो जो गड़बड़ी है उसे ठीक करना चाहिए। अपने अंदर जागरूकता लानी चाहिए। एक व्यक्ति है जो केवल धर्म की क्रिया करने वाला है, और एक व्यक्ति वो है जो आत्मा के प्रति जागरूक होकर के धर्म की क्रिया करता है। जो कोरी धर्म की क्रिया करता है उसका धर्म ध्यान सतही होता है, लेकिन जो जागृत होकर धर्म ध्यान करता है उसका जीवन अंदर से रूपांतरित होता है। चेतना को जगा करके करे,
उसके प्रयोजन को सामने रख करके धर्म ध्यान करें। आखिर मेरे धर्म ध्यान का मकसद क्या है ये समझ करके चले। अगर वह हमारे सामने होगा तो फिर कहीं कुछ कठिनाई नहीं। महाराज श्री बस एक सवाल और, एक की अनुमति है महाराज श्री, जुड़ा हुआ सवाल है। चलो हाँ। कि हम बच्चे हैं, अगर हमें अपने बड़ों को अगर कोई चीज ये समझानी है कि परिस्थिति वश अगर हम संयम ना खोए तो बच्चे बड़ों को कैसे समझा सकते हैं? बहुत ही व्यवहारिक सवाल है ये। बड़ों को समझाने के लिए बच्चे क्या करें, है ना? तो बच्चे बड़ों को समझाने के लिए पहले तो बड़ों को बड़ा माने। अगर बच्चे बड़ों के आगे खुद को बड़ा मानने लगे तो कभी नहीं समझा पाएंगे। बड़ों से सीखना है तो छोटा बनो, और बड़ों के लिए स्वीकार्य बनना है तो उन्हें बड़ा मानो। क्या बोल रहा हूँ? बड़ों से सीखना है तो पहले छोटा बनो, और बड़ों को का स्वीकार बनना है कि बड़े हमें स्वीकार ले, तो आप उनको बड़ा मानो, मान दो। जब कोई छोटा बड़े को मान देता है, बहुमान देता है, तो बड़ों का उनके प्रति सहज झुकाव हो जाता है और वो तभी उनकी बातें मानते हैं। तो हो सकता है बड़ों से भी गलती हो, होती ही है, तो उस घड़ी में हम क्या करें? सीधे सीधे उनकी गलती को रेखांकित न करें, गलती न दिखाएं। नहीं तो कहेगा छोटा सा बच्चा मुझे ज्ञान देता है, उनका ईगो टकराएगा। उन्हें धीरे से ऐसी बातों को बाती बात में कहते कहते कहें कि इस तरह का कार्य कोई करता है तो ठीक है या गलत, और कथोपकथन में यानी बात ही बात में इनडायरेक्ट वे में बात कर दें। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और थोड़े समझदार होंगे तो उसे स्वीकार भी करेंगे और सुधार भी लेंगे और आपके संबंध भी मधुर बने रहेंगे। पर आपने सीधे सीधे उन पर आरोप जड़ दिया या आक्षेप कर दिया तो बात बनने की जगह बिगड़ेगी, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। शिल्पी पार्टी भानपुरा से, अच्छा एक साथ हो गए आपके प्रश्न। लीजिए, नैवेद्य साहब गुड़गांव से, वो तैयार रहेंगे। पंकज मोदी धर्मचंद जी मोदी कलकत्ता से। गुरुदेव, गुरुदेव को मेरा त्रिबाण, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि मुझे आलू बहुत पसंद है, परंतु मुझे ये भी पता है कि आलू खाने में बहुत दोष लगता है। मैं आलू को छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? इस बच्चे ने अपनी बात को बड़े सरलता से कही, आलू तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तो कहता सबको आलू पसंद है ना, तो सबको ही आलू पसंद है, पर तुमने सोचा है कि मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, तो कुछ नहीं करना है। शिखर जी आए हो, मन में ठान लो कि यहाँ से अब मैं आलू नहीं खाऊंगा। संकल्प ले लोगे सब चीज़ें छूट जाएगी। प्रतिज्ञा में ही हर प्रश्न का समाधान होता है। तो जो तुम चाहते हो उसके लिए संकल्पित हो जाओ। एक बार संकल्प लोगे तो कहीं गड़बड़ नहीं। ठीक है, पंकज मोदी धर्मचंद जी मोदी कोलकाता से हो, तैयार रहेंगे। फिर एक छोटा सा एक और नाम है, कौन सा नाम पहले बोला? अच्छा, साक्षी संगीता अरविंद श्रेया संदीप जी जैन जबलपुर संगम कॉलोनी से, निर्विक और निकटवर्ती माता जी के परिजन। महाराज मंच पर मुस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रकृति में इतने सारे पुष्प हैं, परंतु भगवान जी को जब भी हम देखते हैं तो सिर्फ कमल पुष्प पर ही क्यों विराजमान किया जाता है? बहुत अच्छा। अनेक पुष्पों के मध्य भगवान को कमल पुष्प पर ही क्यों विराजमान होता है? सब पुष्पों में कमल की एक अलग विशेषता है। कमल कीचड़ में होता है फिर भी खिला रहता है, पानी में रहता है लेकिन पानी से लिप्त नहीं होता। समझ गए? तो कमल में अनासक्ति अलिप्तता जैसे गुण हैं, तो जिसमें अलिप्तता और अनासक्ति के गुण होंगे वही तो अनासक्त और अलिप्त भगवान का आसन बन पाएगा, और क्या बन पाएगा? समझ गए? चलिए।
चलिए पंकज जी मोदी, धर्मचंद जी मोदी, उसी के बाद श्रेया जी। जब बुलाते हैं तब आया करो, चलो बोलो जल्दी। निर्वेगमती निकटवती माता जी की बोलो। हाँ महाराज जी, जब आंधी चलती है तो पंछी जो वृक्ष हिलते हैं डाली, लेकिन उसमें पंछी बैठा रहता तो कभी घबराता नहीं है, क्योंकि उसको विश्वास अपने पर पे रहता है। पर व्यक्ति अपना आत्मविश्वास उतना कमजोर क्यों करता कि वो जरा से दुख में हड़बड़ा जाता है। मैं तो इसमें उत्तर यही दूंगा, जिसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है वो कभी घबराता नहीं, और जो अपनी क्षमताओं को पहचानता नहीं वो कभी स्थिरता नहीं रखता। पक्षियों को अपने परों पर भरोसा है, उन्हें पता है कि मेरी क्षमता क्या है। सामान्य जन जब ऐसी क्षमता को समझ लेंगे तो जीवन में अपने आप बदलाव आएगा और अपने जीवन को धन्य कर सके। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मोदी परिवार इसी के साथ तैयार रहेंगे। पलक्ष ओसवाल मंदसौर से, जो कि एशिया के यंगेस्ट ब्रांड एविसिटर, भारत के सबसे कम उम्र के कोरोना एजुकेटर है महाराज जी, वो यहाँ पर उपस्थित है। छोटा सा बालक आएगा अपना प्रश्न रखने के लिए, मात्र 5 वर्ष का है। मंच पर विराजित दोनों मुनिवर को धर्मचंद जी मोदी कलकत्ता परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, श्रावक अपना पुण्य कैसे बढ़ा सकते हैं या पुण्य सबसे ज्यादा कैसे बढ़ते हैं? बढ़ाने के लिए क्या करना है? पुण्यकारी अनुष्ठान करना है, और जो पुण्यकारी अनुष्ठान कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करना है। पुण्यकारी अनुष्ठानों में मुख्य रूप से 4 अनुष्ठान है, दान, पूजा, सील और उपवास। ये 4 ऐसे कृत्य हैं जो पुण्य वर्धन के विशेष हेतु हैं। नियमित शक्ति के अनुसार दान दो, भगवान की पूजा करो, सील संयम सदाचार का पालन करो और शक्ति के अनुसार उपवास करो। और जब नहीं कर पा रहे हो तो जो कर रहे हैं जी भर करके उनकी अनुमोदना करो, अथवा और लोग कर सके उनकी व्यवस्था भी बनाओ, तो इसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। चलिए पलक्ष भाई, और इसके बाद तैयार रहेंगे अमर जैन भोपाल से। क्या नाम है इसका बच्चे का? पलक्ष नहीं होगा। महाराष्ट्र नमोस्तु, आपके चरणों में वंदन। महाराष्ट्र, ये बच्चा है 5 साल का पलक्ष ओसवाल, ये एशिया का सबसे कम उम्र का ब्रांड एम्बेसडर है और अपने देश का सबसे कम उम्र का एजुकेटर, COVID-19 एजुकेटर और मोटिवेटर है। इसके कोरोना जागरूकता के जो वीडियोस हैं वो अमेरिका तक में वायरल हुए हैं। और महाराष्ट्र, सबसे खुशी की बात है, इसका जन्म हुआ है पोष दशमी के दिन भगवान पार्श्वनाथ के जन्म के दिन, और अभी इसका बर्थडे परसों ही यहाँ शिखर जी में पार्श्वनाथ भगवान की इस पवित्र भूमि पर मनाया गया है। और महाराज साहब, इस बच्चे की जो पहली कमाई थी, उस पहली कमाई से इसने मंदसौर के वृद्धाश्रम में जितने भी वृद्ध जन थे उनके लिए रेडियो सेट और हेडफोन वितरित किए हैं, और इसी की कमाई से महाराष्ट्र कोरोना के टाइम पे इसने जो निर्धन जन हैं उन्हें वस्त्र वितरित करे हैं और पुस्तकें भी वितरित करी हैं महाराष्ट्र। इसके अलावा महाराष्ट्र जीव दया में एक मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा NGO है, पंछी बचाओ अभियान, उसका भी ये बच्चा ब्रांड एम्बेसडर है। महाराज जी, हम जब ऊपर गए थे शिखर जी पर तो हमसे बार बार एक सवाल पूछ रहा था, तो हमने सोचा कि यहीं पे उसका शंका निवारण हो जाएगा। चलो ठीक है, आशीर्वाद। हाँ, अच्छे तपस्या करने, बहुत अच्छी ऊंचाई छुई है, ऐसी बढ़ते रहे। चलो अमर जैन भोपाल से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे गौतम पाटनी मंदसौर से। नमोस्तु भगवान, मैं अमर जैन भोपाल, आपके चरणों में त्रिवार अपने परिवार की ओर से, हम अपने बड़े भाई सबके मार्गदर्शन में पूरे परिजन के साथ आपके दर्शन के लिए पधारे हैं, और तीसरा धम शिखर जी की यात्रा के लिए। हमारी बहू एक छोटा सा प्रश्न करना चाहती है। बोलो मुनिश्री, आपके चरणों में मेरा शशत कोटि कोटि नमन। मुनिश्री, हमने भावना योग में तो बहुत आपकी कमांड देखी और सबको उसका बहुत फायदा भी हुआ है, लेकिन हम आपसे आंखों की रोशनी के बढ़ाने के लिए मतलब कुछ कमांड पूछना चाह रहे थे।
और एक महाराज जी ये कि जैसे हवाई जहाज यदि उड़ान भरता है तो उसे हवा के विपरीत होकर उड़ान भरना पड़ता है, तब वो अपने मुकाम पे पहुंच पाता है। ऐसे ही हम जब परिवार में रहते हैं, कभी हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां होती हैं, कभी कुछ होती है, तो हम धर्म ध्यान कैसे मतलब बिना बाधा के हम आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। आपने नेत्र पीड़ा के स्थिति में भावना योग का प्रयोग करने के सवाल में पूछा है। जिन्हें भी शरीर के किसी भी अंग में तकलीफ हो, सबसे पहले ऊर्जा प्रवाह के समय धारणा बनाएं कि वहाँ ऊर्जा के प्रवाह से वो विकृति दूर हो रही है, वो लाल थक्का बह करके नीला हो रहा है, साफ हो रहा है, वहाँ ऊर्जा के प्रवाह को बहुत तीव्रता से पहुँचाएं, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। साथ ही जैसे आपने आँखें हैं तो जिनको आँखों में दृष्टि कम हो रही है या तकलीफ है, वे नित्य भावना योग करते समय मैं स्वस्थ हूँ, मेरे आँखें स्वस्थ हैं, मेरी दृष्टि निर्मल है, मुझे सब दिखता है, इस तरह के विधायक वाक्यों को देखें, दोहराएं, मुझे दिखता नहीं, मुझे दिखता नहीं, मुझे दिखता नहीं, मेरी आँखें खराब हो गई, मेरी आँखें कमजोर हो गई, रटना बंद करें, इससे नहीं होगा तो होगा, अब मुझे दिखता है, मुझे मेरी आँखें स्वस्थ हैं, मैं ठीक हूँ, मेरी आँखें ठीक है, मेरी आँखों में पर्याप्त ऊर्जा है, मेरी आँखों में अपार तेज है, ये एहसास करते हुए दोहराएं, केवल मंत्र की भांति नहीं, उस समय ऐसा सोचे कि नहीं, मेरी आँखों में वैसा तेज आ रहा है, मैंने ऊर्जा से आँखों को भर लिया है और वो ऊर्जा का प्रभाव उसमें दिख रहा है। इस तरीके से बार बार दोहराएंगे तो आपको निश्चित अच्छा लाभ होगा। कई लोगों को लाभ हुआ, एक की आंतों में तकलीफ थी और उन्होंने नियमित ऐसा किया, उसकी आंतें ठीक हो गई। तो कोई भी बात है बार बार उसे दोहराया जाए और दोहराते समय उसका रोना न रोएं, हम उसे उसके प्रति विधायक सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करें। विपरीत परिस्थितियों में हम अपना धर्म ध्यान किस प्रकार करें? मैं तो कहता हूँ विपरीत परिस्थितियों को आप अपने धर्म ध्यान का श्रेष्ठ अवसर माने, और धर्म ध्यान हमारी क्रिया मात्र का नाम नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में क्षमता रखना ही सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। तो जो भी परिस्थिति है उसे स्वीकार लो कि इसका मुझे सामना करना है, यही मेरा धर्म ध्यान है, तो इससे जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। गौतम पाटनी, मैंने एक पर्ची पहुंचाई थी, हमारी साली जी साथ में हैं। बोलो बोलो। और नहीं, बगर प्रश्न ये था कि अपनी माँ के लिए निर्माण मित्र के रूप में जोड़ना चाहती हूँ गुणायतन से। बहुत सुंदर। वो पर्ची बोलो, हमने पहुंचाई थी लेकिन वो हम बता उसमें आप बोल दो ना नाम। हाँ बोलो खरास। अच्छा, मंजू जैन चोरी वालों की ओर। हाँ ठीक। आजाद जैन बारह सुनी सत्कार कर, बहुत बढ़िया। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं कहता हूँ, हमारे बीच में चंद्रकला जी पाटनी और लता जी गंगवाल हैं, आए, इनका अभिनंदन करेंगे जिन्होंने अभी। सवाल है तो बोलिए। हो गया सवाल, जाइए वहीं, जाइए कर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, गौतम पाटनी मंदसौर से, और इसी के साथ निवेदन करूंगा असोच पाटनी कोलकाता से, गुणायतन ट्रस्टी। देव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचोर सकल दिगंबर जैन समाज एवं मेरे परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अभी नव वर्ष आने वाला है और आजकल की युवा पीढ़ी नव वर्ष को होटलों में जाकर पार्टियां कर सेलिब्रेट करती है, तो हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए नव वर्ष को जिससे वो हमारे लिए लाभदायक हो और नया आने वाला साल अच्छा जाए? और आजकल नव वर्ष को लोग मौज मस्ती के रूप में ही देखते हैं। वस्तुतः हमें जीवन के उत्कर्ष के लिए नववर्ष मनाना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के अनुसार एक तारीख को हमारा कोई नववर्ष नहीं, पर लौकिक दृष्टि से अगर इसे मान भी लिया जाए ग्लोबल कैलेंडर के हिसाब से तो मेरी तरफ से कोई असहमति नहीं। पर हमारे यहाँ दिन की शुरुआत सूरज के उगने से होती है, इसलिए पहली तो सलाह मैं दूंगा कि जो भी नववर्ष मनाए
वो सूरज का सत्कार करके मनाए ताकि उनके जीवन का उत्कर्ष हो। रात अंधेरे में नहीं, 12 बजे दिन बदलता है, एक तो व्यवस्था है, पर दिन तो सूरज के साथ जुड़ा है, सूरज ही उजाला करता है। और उस दिन उठे, सूर्योदय के पूर्व विस्तर छोड़े और पूरे वर्ष को मंगलमय बनाने की मंगल कामना करें, समझ गया? भावना भाए, पूजा पाठ करे और फिर जितना उत्सव उल्लास मनाना मनाए, लेकिन डिस्को ठेक में जाना, शराब और शबाब का आनंद लेना, ये सब बहुत गलत बातें हैं, जीवन के पतन का कारण है। इस तरह की मौज मस्ती अंततः जीवन को बर्बाद करने वाली है, इसलिए ऐसी मौज मस्ती से बचें और जीवन को उसके सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करें, तभी ये नव वर्ष मनाना अच्छा होगा। हर व्यक्ति को इस नव वर्ष के दिन कुछ नव संकल्प लेना चाहिए अपने बाहरी और भीतरी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। यदि ऐसा संकल्प लेकर के चलेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम। अशोक जी पाटनी कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी, दिलीप जी गंगवाल ये भी गुणायतन, ये की गुणायतन के ट्रस्टी हैं, अपना प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, दुनिया में इतनी भागम भाग हो गई है कि इस उम्र के साथ में हमको उसका दौड़े या धीरे चलें या क्या हिसाब से चलना चाहिए, थोड़ा इस बार में मार्गदर्शन दीजिए। दुनिया में जो भागम भाग, इस उम्र के साथ हम दौड़े या रुके, मैं एक सवाल करता हूँ। एक 20 साल का युवा तेजी से दौड़ रहा हो और 20 साल के युवा के साथ अगर 70 साल का बूढ़ा उसी रफ्तार में दौड़े होड़ करे, या 5 साल का बच्चा उसके साथ दौड़ना चाहे, तो आप क्या कहोगे? बोलो, उसे उचित मानोगे क्या? 20 साल का युवा जितनी रफ्तार से दौड़ सकता है, 70 साल का बूढ़ा नहीं दौड़ सकता और 5 साल का बच्चा भी नहीं दौड़ सकता। तो मैं आप सबसे कहूंगा, जिनके पास क्षमता है वो भागम भाग करे सो करे, हमें तो अपनी स्थिति देखकर अब भागने का समय नहीं, जागने का समय है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते मैं। अब थमने की जरूरत है, ऐसे दौड़ते ही दौड़ते थक कर की गिर जाओगे, पस्त पड़ जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है इस भागम भाग की कि भाग दौड़ तो है, मंजिल कोई नहीं है। ऐसी भाग दौड़ से क्या फायदा जिसका कोई गंतव्य ही नहीं। हम उम्र के इस पड़ाव में पहुंचने के बाद कम से कम हमें अपने गंतव्य को समझ लेना चाहिए और उसी अनुरूप चलना चाहिए। ध्यान रखो, सही लक्ष्य की ओर भले धीमी गति से ही क्यों नहीं, यदि हम चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे, और गलत दिशा में हम कितनी भी तेज दौड़े अपने मंजिल से दूर होंगे। दिशा तय होनी चाहिए, गति से भी ज्यादा महत्व दिशा का है, किस दिशा में हम चल रहे हैं। जब तक हम वैसा नहीं करेंगे तब तक कोई अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। चलिए ठीक, पारुल जी बड़कुल पटेरा से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे रिंकल गौरव पांचोली मुंबई से। नमोस्तु गुरुदेव। आज संपर्क और मेलजोल बनाए रखने के साधन बहुत ज्यादा है, पहले से कहीं ज्यादा, जैसे फोन कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, पर लोगों में वो मेलजोल बनाए रखने की भावना दिन ब दिन कम होती जा रही है। यहाँ तक कि अपने करीबियों से भी लोग एक निश्चित दूरी बनाकर रखने लगे हैं आजकल, तो इसका क्या कारण हो सकता है गुरुदेव, और समाधान भी क्या हो सकता है ताकि जो हमारे से पहली वाली पीढ़ी में एक जो मेलजोल था सब में, वो फिर से आ सके वापस। बात कहूंगा, पहले हमारा मेलजोल एक्चुअल था, अब वर्चुअल हो गया, समझ गए? तो एक्चुअल और वर्चुअल का जो भेद है वो सब ऐसा ही होता है। जो जो मनुष्य टेक्नोलॉजी के निकट जा रहा है त्यों त्यों वो अपने से और अपनों से दूर हो रहा है।
हमें अपने जीवन को समझने की तकनीक अपनाना चाहिए। जब तक हम प्रेम, परस्परता, वात्सल्य और आत्मीयता जैसे उदात्त मूल्यों को स्थान नहीं देंगे, अपने अंतरंग की संवेदना को व्यापक नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा जो मेल जोल है भी वो महज औपचारिक होगा, उसमें अंदर से कोई रस नहीं होगा। अपने मेल जोल को औपचारिक न बनाए, उसे आंतरिक बनाए। आज तो मैं देखता हूं लोगों के कांटेक्ट तो है, रिलेशन नहीं है। दो शब्द हैं, संपर्क और संबंध। संपर्क और संबंध, एक दूसरे के निकट रहने का नाम संपर्क है और एक दूसरे से निकटता रखने का नाम संबंध है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, एक दूसरे के निकट रहने का नाम संपर्क है और एक दूसरे से निकटता रखने का नाम संबंध है। निकट रहने वालों के पास निकटता हो कोई जरूरी नहीं, और आजकल तो दिखता भी है सब एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, सबका एक ही पता है, पर एक दूसरे को किसी का अता पता नहीं। ये संपर्क है। देखो, तेल और पानी और दूध और पानी, तेल में पानी डालो या पानी में तेल डालो, तेल अलग रहता है, पानी अलग। ये संपर्क है जो साथ रहकर के भी अपनी पृथकता बनाए रखे। निकट है पर निकटता नहीं, पर संबंध है दूध और पानी जैसा। दोनों मिलकर एक मीक हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि ये कहीं अलग अलग है। इसका नाम है निकटता। तो ये निकटता तब बढ़ेगी जब हम उदात्त जीवन मूल्यों को आत्मसात करेंगे। रिंकल गौरव पांचोली मुंबई से, और तैयार रहेंगे सुरेंद्र गांधी पुणे से, जो कि 60 लोगों की यात्रा का संघ यहाँ पर लेकर के आए हैं। नमोस्तु गुरुदेव, हम मुंबई से आए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी एक 2.5 साल की बेटी है, जिसको हम इस भाव से मुंबई छोड़ के आए हैं कि अगर वो हमारे साथ नहीं होगी तो हम अधिक से अधिक वंदना कर पाएंगे, परंतु इसी वजह से उसके दर्शन और उसकी वंदना रह गई है। तो क्या हमारा ये सोचना सही था? क्या हमें इस चीज का कोई दोष लगता है? अच्छी बात है, आपने जो दृष्टिकोण रखा वो भी आपकी दृष्टि में भले अच्छा हो, लेकिन अगर अपनी बच्ची को साथ ले आते हैं तो और अच्छा होता। बच्चों को तो पेट से ही वंदना कराना चाहिए। आपकी तो 2.5 साल की बच्ची है, अभी तो उसके अंदर संस्कार होंगे। लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के जाते, दूध पीते बच्चे को लेकर के जाते। आप भी अगर वंदना कर ली होगी तो देखेगी, देखी होगी, नहीं तो देखेंगी। बहुत लोग हैं, इसलिए आगे से जब भी आए तो उन्हें भी साथ लेकर आए। और न केवल वंदना के लिए, मैं सभी से कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चों में धर्म के संस्कार बने रहे तो आप अकेले मत आइए, अपने बच्चों को भी अपने साथ लाइए, ताकि उन्हें सही समय पर सब कुछ समझ आ जाए। लोग बच्चों को दूर रखते हैं, फिर बच्चे धर्म से ही दूर हो जाते हैं, तो मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए शुरू से साथ रखने का प्रयास होना चाहिए। सुरेंद्र गांधी पुणे से, जो कि पूरी यात्रा का संग लेकर के आए हो, तैयार रहेंगे सुप्रभा, दीपक दोषी फलटन महाराष्ट्र से, पर इसके पूर्व महाराज जी हमारे बीच में आ चुके हैं, प्रभाकर जी जैन, श्रीमती रूपम जैन बड़ौदा मथुरा से, जो कि एक स्तंभ के रूप में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच में। पूनम सुभाष जी सीईओ आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ बंधुओं, आज निर्वाण निधि के रूप में जुड़े हैं श्रीमती भगवती रमेश चंद जी जैन विदिशा से, श्रीमती अनुपम जी राजेश जी जैन यही बेगमगंज से, सब परिवार अभिनंदन करते हैं। महाराज श्री के समक्ष आ रहे हैं और इनका अभिनंदन कर रहे हैं। पूनम जी, सुभाष जी आए, आप यहाँ आए। पूनम जी इधर आ जाएं, इस तरफ प्रश्न रखें उसके पहले, और तैयार रहेंगे सुप्रभा दीपक दोषी फलटन से। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु।
महाराज जी बहुत सुन। हाँ बोलिए। नमस्तु महाराज जी। नमस्तु महाराज जी। हम सब पुणे से महाराष्ट्र से 60 लोग यहाँ पर पधारे। 2 साल पहले बावन गजा में भी आए थे। इतनी भक्ति से हम आते, लेकिन शंका जब आते हम शंका समाधान हम मिस नहीं करते। मैं 40 साल से पुणे में एक एचएनडी जैन बोर्डिंग में जो ऑल ओवर इंडिया में प्रसिद्ध है, वहाँ से मैं 40 साल से कार्यरत हूँ। उस 40 साल में हम जो प्रगति और अधोगति बोलते हैं उसके बारे में पॉइंट रखना चाहता हूँ। इसके मार्गदर्शन चाहिए और सुझाव भी चाहिए। 40 वर्ष पहले बच्चे अपने पेरेंट के साथ आदर से बर्ताव करते थे, लेकिन वो परिस्थिति अभी नहीं दिख रही। हरेक को बच्चे 40 साल पहले हरेक को बच्चे की आस लगती थी, लेकिन आज बच्चे होने से लोगों को डर लग रहा है। 40 साल पहले शादी इजी हो जाती थी और डाइवर्सन घटस्फोट मिलना मुश्किल होता जाता, लेकिन आज घटस्फोट इजी हो रहा है और शादी मुश्किल हो रही है। आज साधन बहुत है, आज साधन बहुत है, लेकिन अब साधन होने से साधक आज कम्युनिकेशन के साधन बहुत है, लेकिन आज साधन बहुत है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप क्या सजा देना चाहते हैं, आप क्या सलाह देना चाहते हैं? और बोर्डिंग के बच्चों के साथ ये पूरा सभी छात्रों को मैंने मैसेज भेजा है, आज खास करके आप शक्का समाधान सुने और इसके माध्यम से आपके माध्यम से ये बच्चे लोग कुछ मार्गदर्शन हुए। थोड़ी देर पहले एक सवाल के उत्तर में मैंने आपकी सवाल का बहुत हद तक जवाब दे दिया। ये समय का बदलाव नहीं, सोच का बदलाव। पहले लोग एक कमरे में 10 लोग रह लेते थे, लोग मकान में रहते थे, अब फ्लैट में रहते हैं और एक कमरे में 2 के अलावा तीसरे के लिए जगह नहीं। तो ये बदली हुई मानसिकता का द्योतक है, सोच का द्योतक है। जब तक हम अपनी सोच को व्यापक नहीं बनाते तब तक इस तरह के सवाल उपस्थित होते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को न केवल व्यापक बनाएं, अपितु अपनी संस्कृति के साथ जोड़ करके चले। आज के लोगों की स्थिति मुझे अलग तरह की दिखती है। वे ऊपर से तो बहुत चमकदार दिखते हैं, भीतर से सब खोखले नजर आ रहे हैं, है ना? क्योंकि सोच का स्तर बदल गया। पहले लोगों की सोच आध्यात्मिक और व्यवहारिक हुआ करती थी, आज भौतिक और व्यापारिक सोच का बाहुल्य हो रहा है। जब तक हमारी सोच विशुद्धतया विशुद्ध नहीं बनेगी, निर्मल नहीं बनेगी, तब तक इस तरह की स्थिति से बच पाना संभव नहीं होगा। नमस्ते महाराज जी। सुप्रभा। दीपक दोषी फलटन महाराष्ट्र से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे सौ सरला पाटनी औरंगाबाद से। जल्दी जिनालय विद्यालय और चिकित्सालय, यह फॉर्मूला जो अपन जैन समाज ने यूज किया, तो जैन समाज से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे क्योंकि यही फॉर्मूला यूज करके बोलना चाहिए। सुप्रभा दोषी। मैं सुप्रभा दीपक दोषी फलटन से बोल रही। मेरी परिवार की तरफ से और पुना के ग्रुप के तरफ से 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मैं मेरा भावना योग का अनुभव बताना चाहती हूँ। मैं पहले से भावना योग करती थी, लेकिन मेरे पति डिप्रेशन में 3 साल थे। मैं उनको सुनाती थी, वो सुनते नहीं थे। पहले मैं रोज लगा के रखती थी, थोड़े दिनों बाद वो खुद कहने लगे मुझे सुनना है। और रोज 5 बजे शाम को मुझे बोलते थे कि मुझे भावना योग लगा दो, और वो डिप्रेशन से भावना योग से बाहर आ गए। और मैं रोज सुबह का 5 मिनट का और शाम के 5 रात का सोने का 5 मिनट का भावना योग रोज सुनती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है आचार्य से कि जो पैर की जख्म हुई थी, मैं भक्तांबर हीलिंग सीखी हूँ, तो मैंने फोटो पे आचार्य श्री की विद्यासागर महाराज जी के पैर की जख्म अच्छी होने के लिए भक्तांबर के पहले नंबर का श्लोक का 14 दिन हीलिंग दिया मन से। तो और आप सबसे पहले ये एक प्रयोग है, जो लोग भावना योग को ठीक तरीके से कर रहे हैं उनके जीवन में चमत्कार घटित हो रहा है। आए दिन लोग अपने अनुभव यहाँ बताते हैं, सभी लोग इसका लाभ लें। और मैं भावना योग सुनने से विद्यासागर जी महाराज का दर्शन भी मुझे हो गया। ये आपकी वजह से ही हुआ। बहुत सुंदर। ऐसा लगता है कि आचार्य जी
आचार्य से के बाद आपको ही आचार्य पद वो इन चक्करों में नहीं पड़ो आगे सर। नहीं पड़ो आगे सर। सरला पाटनी औरंगाबाद से और निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पांत्री। ओ जल्दी कौन है सरला पाटनी? चलिए निधि जी जो कि निधि से जुड़े हैं जल्दी से आप ले लें तब तक आप निधि जी अगर हो तो लीजिए आइए। हाँ शीघ्रता से अपना प्रश्न रखें। सरला पटनी औरंगाबाद से। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। टीवी में जब हम कार्यक्रम देखते हैं तो रिकॉर्ड के लिए खेद हुआ आता है लेकिन शंका समाधान कार्यक्रम ऐसा है हम सवाल करते हैं तब जवाब में आपके तरफ से रिकॉर्ड में कभी खेद नहीं होता है। आपका जवाब तैयार होता है। आपका कौन सा एंटीना है जो हमारी बुद्धि को विचार कर सकते हैं? नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। देखो हम एक ही बात जानते हैं जो बाहर के साधन से होता है वो अटक सकता है और जो भीतर से चलता है वो स्थायी रहता है। अपने आप को भीतर से जोड़ के चलो स्थायी होगा। चलिए नमस्ते गुरुदेव। ओ, नमस्त। हाँ लीजिए। और पाटनी जी पहुंच रहे हैं। हाँ, निर्वाण निधि के रूप में जल्दी से पूछ लो आप छोटा सा प्रश्न जल्दी। महाराज जी के चरणों में त्रेवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैं भावना योग करती हूँ बहुत लाभ है और क्रोध में भी लाभ है लेकिन मेरा मतलब कि किसी वजह से भी मेरी गलती न होने के कारण जब परिवार के लोग बोलते हैं तुम्हारी कारण तो मुझे क्रोध आ जाता है तब मैं कर नहीं पा रही। दबी भी और करो। चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री और इसी के साथ जो बहुत देर से धैर्य रखे हैं धैर्य जैन भोपाल से। दोनों चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कभी कभी ऐसा बोलने में आ जाता है कि सामने नहीं। हाँ। कभी कभी ऐसी बातें बोलने में आ जाती है कि बाद में माफी मांगनी पड़े तो इससे कैसे बचे? बहुत अच्छा सवाल। ऐसी बातें बोलने में आ जाती है कि बाद में माफी मांगनी पड़े इससे कैसे बचे? सबसे पहले तो बोलने से पूर्व ऐसा विचार करो कि बोलने के बाद माफी मांगनी ही ना पड़े। लेकिन कई बार संस्कारवश आवेशवश आवेगवश ऐसा हो जाता है तो जब आप माफी मांगे तो उस समय दृढ़ संकल्प ले कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और अपनी भाषा पर संयम लाना चाहते हो तो कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं। एक काम करिए आप रोज शाम को सोने से पहले सुबह से शाम तक के सारे वचन व्यवहार को निकाल कीजिए और देखिए मैंने आज कहाँ कहाँ गलत बोला उसकी निंदा कीजिए और मन ही मन अपने आप को धिक्कारिए। सामने वाले से मन ही मन क्षमा मांगिए और संकल्पित हो जाइए भविष्य में कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। उसके साथ जब ऐसे शब्द निकले तो अपने आप को दंडित कीजिए कुछ पेनाल्टी लगाइए अपने आप और नित्य एक बात दोहराइए मुझे सही बोलना है सुंदर बोलना है मुझे सही बोलना है सुंदर बोलना है। तो इन सब बातों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। ओ धैर्य जैन भोपाल से और इसके बाद तैयार रहेंगे अजय जैन कोलकाता। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुवर के चरणों में कोटि-कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी। आजकल युवा ही नहीं हमारे बुजुर्ग भी एंजाइटी डिप्रेशन आदि के शिकार हो रहे हैं। भावना योग से ये जरूर समाप्त हो सकती है मगर हमारा ऐसा क्या प्रयास रहे कि ये समस्या उत्पन्न ही ना हो? देखो एंजाइटी तो बुरा तो जो व्यक्ति थोड़े आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं और भावना योग कर सकते हैं करते हैं तो निश्चित उनके साथ ये सारी समस्याएं दूर हो सकती है और इसके लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। अंतिम प्रश्न के लिए अजय जैन कोलकाता। ओ अंतिम प्रश्न। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी अमीर व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारे मनोभाव अलग रहते हैं और किसी गरीब आदमी इस तरह से बात करते हैं तो मनोभाव अलग रहते हैं तो ऐसा क्या करें कि मनोभाव अलग ना हो? व्यक्ति तो वही है लेकिन जब अमीर और गरीब दिख रहा है तो मनोभाव अलग दिखेगा। अगर व्यक्ति को अमीर और गरीब देखने की जगह इंसान देखोगे तो मनोभाव एक होगा। तो व्यक्ति को एक इंसान की भांति देखो उसकी अमीरी और गरीबी तो बाहर का लबादा है क्या पता कब जो आज अमीर है कल गरीब हो जाए
और जो गरीब है वो कल अमीर हो जाए। इसलिए इन बातों से अपने आप को बचा कर रखो, इनसे अलिप्त रखो और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करो। समय आप सबका हो गया है, आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जी की। ओ